थी तो मन में ये भाव आने लगा है कि जानकर के बोलना है तो क्या बोलना है। तो एक बात मेरे मन में आ रही थी तो एक बातें मन में ये आ रही थी कि वही आ जाता है विषय मुख्य, क्योंकि विद्यालय के संबंध में बात होती है कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय आजकल सबके प्रिय विद्यालय हैं। समाज के सब लोग जो अच्छी अच्छी इमारतों वाले विद्यालय हैं उनमें ही पढ़ाना पसंद कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस दे रहे हैं। और चिंतन करते हुए ये मन में भाव आया कि बाकी चीजों का भले निर्माण हो रहा हो, बहुत प्रगति हो रही हो, बहुत विकास हो रहा हो, लेकिन एक जो चीज है एहसास, वो मर रहे हैं। ये मन में भावना आ रही थी और बड़ी निराशा इस बात की आज दिन तक रही मुझको कि मैं जब भी किसी पूर्व छात्र सम्मेलन में आई हूँ तो जितने भैया बहन आए हैं उनकी ये शिकायत रही है कि इस विद्यालय में ये कमी है, अच्छा जी अंग्रेजी नहीं पढ़ रही आती, अच्छा जी अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी में बड़ा कष्ट होता है। लेकिन आज मेरे लिए ये एक युग परिवर्तन का दिन है, आज 13 दिसंबर है, सही तारीख है ना? तो ये मेरे जीवन के लिए आज की तारीख एक युग परिवर्तन का दिन है। हमारे आगे लिए 3 भाई बहन भैया बैठे हुए हैं और बाकी भाई बहन भी, लेकिन मुख्य रूप से जो ये वाले भैया हैं शायद अजय भैया हैं। तो मुझे इस बात का बड़ा हर्ष हुआ कि इनके अंदर ये एहसास जगा कि अंग्रेजी क्यों बोलना, हिंदी आगे आनी चाहिए। और इस चीज का एहसास, स्पिरिट जिसको कहना सही रहेगा, इनके मन में मैंने ये स्पिरिट देखी। तो हम बहुत बड़े पद पर हो सकते हैं, बहुत बड़ा धन कमा सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन करके लोगों की तालियां छीन ले सकते हैं, लेकिन एक जो मूलभूत चीज है जिसमें हमारी आंतरिकता संतुष्ट होती है, समृद्ध होती है, हमारा